ब्रॉक लेसनर का किस पे एक बार फिर से अटैक देखने को मिला? क्या पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर ने साथ आने की हिंट दे दी है? क्यों आरके ब्रो टैग टीम आज स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाई दी और क्यों रोमन रेंज नहीं दिखे आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत सैमी जेन ने करी। वो व्हीलचेयर पर थे और उनके साथ दो मेल नर्स भी थे। सैमी जेन आके कहते हैं कि मैं आज व्हीलचेयर पर केवल दो लोगों की वजह से हूं, वो है ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज। ये दोनों गाय एक दूसरे के खिलाफ हैं, बट इन्होंने ये श्योर करा कि सैमी जेन कहीं चैंपियन ना बन जाए। मुझे लूट आ गया है, लेसनर ने मुझे धोखा दिया है जो कि एक साजिश है, जिसमें रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों ने मुझे मारा। सैमी जेन कहते हैं अब मैं वही करूंगा जो सही है, अब मैं केस फाइल करूंगा। वो यहां उन सभी पर केस करने की बात करते हैं जो कैसे ना कैसे उनके यूनिवर्सल टाइटल अपॉर्चुनिटी को बर्बाद करने में शामिल थे, जिसमें उन्होंने एडम पियर्स, सोनिया डेविल, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, पॉल हेमन और उसोस का नाम लिया। तभी यहां पॉल हेमन की एंट्री होती है। वो आके यहां WWE यूनिवर्स से माफी मांगते हैं और सैमी जेन को सुनने के लिए आते हैं उन पे केस करने की वजह से। सैमी जेन कहते हैं पॉल तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। इसके बाद पॉल हेमन सैमी जेन को ब्लॉक करके खड़े होके माइक लेके बोलना शुरू करते हैं। सैमी जेन कहते हैं पॉल मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पॉल हेमन नहीं रुकते हैं। सैमी जेन फिर कहते हैं पॉल हेमन मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पॉल हेमन फिर भी नहीं मानते हैं तो सैमी जेन खड़े होके कहते हैं पॉल लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सैमी जेन कहते हैं मुझे पता है रोमन रेंस आज यहां नहीं है। पॉल हेमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सैमी जेन कहते हैं पॉल हेमन तुमने मेरी बेइज्जती करी है, अब रोमन रेंस यहां नहीं है तो तुम्हें कौन बचाएगा। तभी ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है। वो आके चेयर उठाते हैं और रिंग में सैमी जेन के सामने डालते हैं। उससे पहले रिंग कॉर्नर में खड़े पॉल हेमन के पास जाके वो आगे हाथ बढ़ाते हैं तो पॉल हेमन उनके हाथ में माइक दे देते हैं। फिर वो सैमी जेन से कहते हैं क्या हाल है बड़ी। सैमी जेन कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूं। ब्रॉक लेसनर कहते हैं मुझे लगता है कि हम गलत पैर पर उतर गए। सैमी जेन कहते हैं तुम्हें लगता है। फिर ब्रॉक लेसनर सैमी जेन के दर्द को 1 से लेकर 10 तक के स्केल पर रखते हैं। सैमी जेन कहते हैं 10 और मेरी फीलिंग्स का क्या। ब्रॉक लेसनर कहते हैं मैं फील कर रहा हूं सैमी और हम दोनों कैनेडियन हैं। ब्रॉक लेसनर कहते हैं सैमी मैंने तुम पे एहसान करा है, तुम्हें उस रात सिंगल हैंडली रोमन रेंस को नहीं हरा सकते थे, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम पर अटैक करा ताकि उसकी जीत काउंट ना हो। फिर ये फ्रेंच में आपस में बात करते हैं, दोनों हंसते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर कहते हैं सैमी जेन यहां से चलो, चल के हंटिंग करते हैं, फिशिंग वगैरह करते हैं। सैमी जेन कहते हैं आइडिया बुरा नहीं है। ब्रॉक लेसनर सैमी जेन को लेकर जा ही रहे होते हैं तभी पॉल हेमन कहते हैं और पूछते हैं अगर ये 3 साल पहले हुआ होता तो मैं क्या देख रहा हूं कि ब्रॉक लेसनर ने सैमी जेन को फोड़ डाला होता, लेकिन मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता। फिर ऐसा लगा जैसे पॉल हेमन ने सोया हुआ ब्रॉक लेसनर जगा दिया और उन्होंने पहले मेल नर्स में मार लगाई, फिर सैमी जेन को व्हील चेयर से गिरा के FF लगा दी। इसके बाद पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते नजर आए। इसके बाद हमें नाकामुरा रिक बुग्स वर्सेस गार्जा कार्लियो के बीच मैच दिखा। बुग्स और कार्लियो मैच की शुरुआत करते हैं और शुरू में ही बुग्स अपनी जबरदस्त पावर दिखाते हुए कार्लियो को जो उठा उठा के फेंकते हैं वो देखने लायक था। कार्लियो की उन्होंने एक तरह से फिरकी बना डाली और फिर टैग नाकामुरा ने लिया और आके किनशासा दे के कार्लियो को पिन करा और मैच जीत लिया। इसके बाद बैकस्टेज न्यू डे, रिकोशे, मंसूर और वाइकिंग राइडर्स दिखाई दिए जहां वुड्स अपने न्यू क्राउन को रिवील करते हैं। अब बैकस्टेज एडम पियर्स के पास ड्रू मैकइंटायर दिखे जहां वो तलवार लेके दिखाई दिए। एडम कहते हैं सोनिया ने वो लिस्ट हायर अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाई थी। फिर एडम कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर तलवार के साथ रिंग में नहीं जा सकते, तो ड्रू मैकइंटायर तलवार एडम पियर्स की डेस्क में ही गाड़ाते हैं। अब हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस शेमस के बीच मैच दिखा। बैल बजते ही दोनों आदमखोरों की तरह एक दूसरे पर पिल पड़ते हैं, पंचेस, चॉप, नी, किक सब लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों इतने एग्रेसिव नजर आ रहे थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। रिंग के बाहर भी ये लड़े। रिंग में ड्रू मैकइंटायर ने शेमस को DDT देके क्लेमोर लगाने का ट्राई करा, बट शेमस ने रनिंग नी मार के ड्रू मैकइंटायर को रिंग में ढेर कर दिया और फिर ब्रॉक किक की तैयारी में थे, बट ड्रू मैकइंटायर उससे बचते हैं और एंड में DDT देके क्लेमोर लगा के मैच जीत ले जाते हैं। अब सोनिया डेविल वर्सेस नाओमी के बीच एक मैच दिखना था। नाओमी रिंग में आ जाती हैं, लेकिन सोनिया बाद में आती हैं। सोनिया कहती हैं कि इस मैच में शायना मेरी हेल्प करेगी और उसके साथ साथ नथालिया भी। फिर नाओमी शायना और नथालिया पर अटैक करती हैं और रिंग में उन्हें एंटर नहीं होने देती हैं। अब ये तीनों मिलकर नाओमी को घेरती हैं। तभी यहाँ जिया ली की एंट्री होती है। उनका एक तरह से स्मैकडाउन में आज फाइनली डेब्यू हुआ। वो नाओमी के साथ मिलकर इन तीनों में मार देते हुए रिंग से खदेड़ देती हैं।
इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टोनी स्ट्रॉम के बीच चैंपियनशिप कंटेंडर मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं। शुरू में टोनी ने काफी इंप्रेस करा, फिर शार्लेट फ्लेयर ने भी जबरदस्त फाइट बैक टोनी स्ट्रॉम पर करा और फिर रिंग एप्रिन पर लगातार किक्स टोनी में मारी। रेफरी ने उन्हें रोका बट शार्लेट फ्लेयर नहीं रुकी, जिस वजह से रेफरी ने मैच रुकवा दिया। नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत टोनी की हुई और फिर रिंग में शार्लेट फ्लेयर ने बिग बूट देके टोनी को ढेर कर दिया। अब बैकस्टेज हमें ब्रॉक लेसनर एडम पियर्स के पास दिखाई दिए। ब्रॉक लेसनर कहते हैं जब वो सस्पेंड हुए एडम की वजह से, तब उन्हें वो करने को मिला जो करना चाहते थे, मूस का शिकार, जाइंट मूस का शिकार। आपको बता दूं मूस एक तरह का जानवर होता है जिसमें काफी सारे सींग वगैरह होते हैं। फिर वो अपने फोन में एडम पियर्स को कुछ दिखाते हैं और फोन को बीच में से आधा कर देते हैं, फ्लैप वाला फोन होता है। वो कहते हैं कि मैंने मूस को फंसा दिया और उसे खाक कर दिया, मैंने उसे पूरी तरह से खा लिया और चर्बी से छुटकारा पा लिया है। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि वे पियर्स को थैंक्स कहना चाहते हैं और मैंने अपनी केविन की दीवार पर मूस का सिर लटका दिया है, मैंने उसका नाम एडम पियर्स रखा है। वो कहते हैं कि मूस को हर बार देखने पर $1 million के मुझे फाइन की याद आती है। फिर वो एडम पियर्स की पीठ पर थप्पड़ मारते हैं और एडम पियर्स वहां से चले जाते हैं। अब हमें आरके ब्रो वर्सेस न्यू डे वर्सेस उसोस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा, ये जानने के लिए कि इनमें से बेस्ट टैग टीम कौन सी है। रिडल और कॉफी किंगस्टन मैच की शुरुआत करते हैं, फिर जेवियर वुड्स टैग लेके रिडल से बढ़ते दिखाई दिए। वहीं उसोस ने सब पे रिंग में से डाइव लगाई। अच्छा मैच दिखा तीनों टीम्स के बीच, अच्छा काम करा तीनों टीम्स ने। पूरे मैच में उसोस काफी डोमिनेट नजर आए, अच्छे मूव्स, अच्छा एक्शन और जबरदस्त टैग देखने को मिले। कह सकते हैं मैच में मजा आया, बट एंड में ऑर्टन ने जे उसो को आरकेओ दी। कॉफी किंगस्टन विद द हेल्प ऑफ वुड्स टॉप रोप से जिम्मी उसो को मूव देके मैच जीत ले जाते हैं और खुद को यहां बेस्ट टैग टीम साबित कर देते हैं। आज के शो में रोमन रेंज नहीं देखने को मिले, जिसका ऐलान WWE ने शुरू के सेगमेंट में ही कर दिया था। नहीं बताते तो शायद शो देखने में थोड़ा मजा आता। खैर आज के पूरे शो में ब्रॉक लेसनर का बवाल दिखा। पहले सैमी ज़ेन में उन्होंने मार लगाई और फिर बैकस्टेज एडम पियर्स को बुरी तरह से उन्होंने डरा दिया। वहीं रोमन रेंज की एब्सेंस में चल क्या रहा था समझ नहीं आया। कायला ने जब ब्रॉक लेसनर से सैमी ज़ेन के अटैक के बारे में पूछा तो उन्होंने बैकस्टेज कायला से कहा कि इसका जवाब मेरा एडवोकेट देगा। कुछ तो इनके बीच पकड़ा है, देखते हैं नेक्स्ट वीक रोमन रेंज पॉल हेमन से इस बारे में क्या पूछते हैं। आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।